बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फोर्थ ईयर क्लास। इन टुडेज लेक्चर वी डिस्कस द आर्टिकल नंबर 4, टेक द प्लंग। टेक द प्लंग मीन टू जंप, छलांग लगाना। एंड ग्लोरिया इमर्सन रोट दिस आर्टिकल। Okay, let's have a brief introduction of this essay. Gloria Emerson describes her preparation for and feelings before, during and after her parachuting experience. इस आर्टिकल में जो राइटर है ग्लोरिया एमर्सन, उसने पैराशूट के जरिए जंप लगाने का जो उसका अपना एक्सपीरियंस था, उससे पहले उसकी फीलिंग्स क्या थी, ड्यूरिंग जंप उसकी फीलिंग्स क्या थी, एंड आफ्टर जंप उसकी फीलिंग्स क्या थी, शी हैज़ ब्यूटिफुली डिस्क्राइब इन दिस आर्टिकल। द एक्सपीरियंस वॉज एज मच डेंजरस एज एडवेंचरस। उसके लिए जो एक्सपीरियंस था ख़तरनाक भी था और उसके लिए एडवेंचरस भी था। एंड इट वॉज फ्राम अ सेसना 180 प्लेन दैट शी जम्प्ड वन मॉर्निंग इन द US विद हर पैराशूट ऑन। कि उसने जो उसके एरोप्लेन का नेम क्या था, सेसना 180, उसके ज़रिए उसने जंप लगाई। एंड शी केम डाउन इन अ सैंड पिट। सैंड पिट मीन्स अ होल इन द ग्राउंड विद सैंड। वहाँ पर उसने जंप लगाई और उसने ओके जी, दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द आर्टिकल। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग ऑफ दिस एसे। टेक द प्लंज, छलांग लगाना। इट मीन्स मेकिंग अ डाइव फ्रॉम अ हाइट, कि बुलंदी से कूदना। इट वॉज यूजली मैन Who asked me why I did it? Gloria Emerson, जो कि एक जर्नलिस्ट थी, वो कहती है कि इट वॉज यूजली मैन हु आस्क्ड मी वाई आई डिड इट। के आम तौर पर ये जो मैन थे जो मुझसे पूछते कि मैंने ऐसा क्यों किया, सम वर एम्यूज्ड, कुछ जो लोग थे देवर एम्यूज्ड, देवर सरप्राइज्ड, वो हैरान हुए। Others puzzled, कुछ परेशान हुए। I didn't mind the jokes in the newspaper office where I worked about whether I left the building by window, roof or in the elevator। कहती है कि I didn't mind the jokes, कि वो जो jokes जो मेरा मजाक उड़ाते थे, मैंने उनको mind नहीं करती थी। जो कहते थे कि मैंने विंडो के ज़रिए छलांग लगाई बिल्डिंग में पर से, किसी छत पर से या फिर एलिवेटर में से। द ट्रूथ इज़ दैट, कहती है हकीकत ये है, आई वॉज़ एन अनलाइकली पर्सन टू जंप आउट ऑफ एन एयरप्लेन, कि मैं जो थी वो एयरप्लेन के ज़रिए जंप लगाना मेरे बस की बात ही नहीं थी। बींग नाइदर ग्रेसफुल, ना मैं इतनी ग्रेसफुल थी, डेयरिंग ना मैं इतनी ब्रेव थी, नॉर सेल्फ पोजेस्ड, और ना ही मेरे में इतना कॉन्फिडेंस था। आई हैड अ बैड बैक, और इसके साथ साथ उसकी जो बैक थी उसमें प्रॉब्लम भी था, अनसर्टन एंकल से उसके, एंड कुड नॉट ड्राइव विद कॉम्पिटेंस। कहती है कि मैं ड्राइविंग भी नहीं कर सकती थी बिकॉज ऑफ डेफिशिएंट डेप्थ परसेप्शन, क्योंकि जो उसकी आई साइट थी, परसेप्शन मीन जो आई साइट, जो कहती है कि डेफिशिएंट मीन इनकम्प्लीट, ना उसकी जो आई साइट थी वो भी वीक थी, और फियर भी था फॉल बसेस कमिंग टुवर्ड्स मी। कहती है एक मुझ में अवेयरनेस जो थी वो कम थी, और एक मेरे जहन में ऐसा खौफ बैठा हुआ था कि ऑल दी बसेस वर कमिंग टुवर्ड्स हर। अ फ्रेंड जोक्ड, कहती है एक दोस्त ने मेरा मजाक उड़ाया, डेट इफ आई ब्रोक माई बोन्स आई वुड हैव टू बी शूट बिकॉज आई वुड नेवर मेंट। कहती है कि उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारी कभी हड्डियाँ टूट गई तो उनको जोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि वो कभी मरम्मत ही नहीं होंगी, इस सूरत में तुम्हें शूट कर दिया जाएगा। दीज आर दी डिफरेंट जोक्स मेड बाय हर कुलीग्स। इनफैक्ट फर्स्ट वाले पैराग्राफ में जो ग्लोरिया इमर्सन है
वो क्या बताना चाह रही है कि वो शी वॉज नॉट फिट फॉर दिस पर्पज़ बिकॉज हर बैक एंड एंकल्स जो थी वो ट्रबल्ड हर हर क्लीग्स एट द न्यूज़पेपर ऑफिस जोक्ड अबाउट हर फोर्थ कमिंग पैराशूटिंग। जब उसने कहा पैराशूटिंग का कद, सब ने उसका मजाक उड़ाया। ओके जी, नेक्स्ट है आई नेवर न्यू वाई आई डिड इट। वो खुद से कहती है कि मुझे नहीं पता मैंने ऐसा क्यों किया। इट वॉज इन मे, अ ब्राइट एंड डल मे, कहती है मे था द लास्ट मे डेट मेड मी वॉन्ट टू फील रेकलेस। रेकलेस मीन केयरलेस। बट देर वॉज नथिंग टू डू देन एट द बिगनिंग ऑफ द डेकेड दैट चेंज ऑलमोस्ट एवरी थिंग। आई कुड नॉट वेट दैट मे फॉर 60s टू अनरोल। आई वर्क इन वुमेंस न्यूज़। अब वो बता रही है कि मैं वुमेंस न्यूज़ पेपर में काम करती थी। माई स्टोरीज केम आउट लाइक लिटल कुकीज़, कहती है जो मेरी स्टोरीज है वो लाइक स्वीट, जो स्मॉल बिस्किट्स केक्स होते हैं उनकी तरह आती। आई वॉन्टेड टू बी ब्रेव अबाउट समथिंग, कहती लेकिन मैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी करना चाहती थी। नॉट जस्ट अबाउट लव और अ रूट कैनाल, कहती इन बातों के बारे में नहीं है। राइटिंग दैट द शूज एट आर्नल कॉन्स्टेबल लुक स्ट्रेंजली सेट, कहती मैं अपनी राइटिंग में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं करना चाहती थी बल्कि मैं इसके अलावा कुछ और करना चाहती थी। वंस आई रीड ऑफ मैन हु हैड टू रन सो फार इट बर्न देयर चेस्ट टू ब्रीथ, कहती एक दफ़ा उसने पढ़ा कि कुछ लोग थे इतना तो तेज़ दौड़े कि जो उनकी चेस्ट ब्रीथ उनमें वो थोड़ी सी वो बर्नड हो गई। बट आई कुडंट रन वेरी फार, कहती मैं तेज़ नहीं दौड़ सकती थी। जंपिंग फ्रॉम अ प्लेन विच रिक्वायर नो टैलेंट आर एंड्योरेंस, कहती प्लेन के लिए जंप लगाना जिसके लिए किसी टैलेंट की ज़रूरत नहीं थी सीम परफेक्ट, कहती है कि ये चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी। आई वॉन्टेड टू फील द बिग पजलिंग लंप ऑन माई बैक, कहती मैं अपने बैक पर वो जो एक बहुत बड़ा सा लंप उसको महसूस करना चाह रही थी। दैट दे प्रोमिस्ड वाज अ पैराशूट, जो कि उन लोगों ने मुझे बताया कि वो पैराशूट था। टू टेक सीरियस स्ट्राइड्स इन द एब्सर्ड ब्लैक बूट्स दैट आई बिलीव्ड ऑल जनरल्स वोर, कहती और वो जो शूज़ थे जो कि मेरे ख्याल में जनरल्स पहनते थे मैं उनको फील करना उनको पहनकर उन वो एक्सपीरियंस करना मैं चाह रही थी। आई वॉन्टेड ऑल ऑफ इट, कहती मैं सब कुछ चाहती थी। द राइजिंग ऑफ अ टिनी प्लेन विद द डोर ऑफ, कहती छोटे से जहाज़ का ऊपर उड़ना दरवाजे के साथ। द अर्थ थ्रशिंग अवे, नीचे से ज़मीन का दौड़ना। द प्लंज जंप लगाना। द स्लैप ऑफ द विंड, हवा के जो हिचकोले। माय हैंड्स ऑन द बैक स्ट्रैप्स, मेरे हाथ जो पीछे की तरफ बंधे होने थे। द ह्यूज कर्व ऑफ वाइट सिल्क अबव मी, और मेरे ऊपर जो सिल्क का एक कर्विंग सा कपड़ा। द ड्रिफ्ट थ्रू द स्पेस वी कॉल स्काई, कहते हैं उसमें से उस जगह पे मूव करना जिसको हम आसमान कहते हैं। इट लुक्ड पेल ग्रीन दैट मॉर्निंग, कहती उस सुबह पेल ग्रीन थी हर चीज़। आई फेल इनटू इट, नॉट द बेबी ब्लू आई एक्सपेक्टेड, आई मस्ट हैव बीन क्राइंग। अब नो एट दैट टाइम वो क्या है, जब वो उसका प्रॉपर फिक्स डे आ गया है तो वो शी फीलिंग फियर हॉरर, कहती मस्ट हैव बीन क्राइंग। माई चीक्स वर वेट, कहती मैं रोना चाह रही थी, मेरी जो चीक्स थी वर वेट। ओनली द थम्स ऑफ अ वाइल्ड हार्ट मेड नॉइस, आई डिडेंट नो हाउ टू कीप इट क्वाइट, कहती मुझे नहीं समझ आ रही थी कि सब कुछ सबको खामोश कैसे रखना है, कि अपना जो उसका जो हार्ट था वो बीट कर रहा था उसको कैसे, उसे समझ नहीं थी आ रही कि वो अपनी कन्फ्यूजन को अपने स्ट्रेस को वो कैसे दूर कर रही थी। शी वॉज वेरी अपसेट नाउ, दैट मे, कहती मे था डेट मे माई माइंड वॉज एज क्लियर एज क्ले, कहते ये मे मेरे जहन में बड़ा क्लियर था। आई डिड नॉट हैव द इमेजिनेशन टू परसीव द रिस्क, टू परसीव मीन टू अंडरस्टैंड, कहती मैं रिस्क को लेने का सोच भी नहीं सकती थी। टू अंडरस्टैंड डेट इफ द विंड ग्रू नेस्टी, कहते जब मैंने ये सोचा कि अगर हवा तेज़ होगी आई माइट बी इलेक्ट्रोक्यूटेड डाइड विद इलेक्ट्रिक शॉक, कहती अगर मैं बिजली के झटके से मेरी डेथ हो गई। ऑन हाई टेंशन वायर्स जो थी स्मैश्ड ऑन अ रूफ, किसी छत पर गिर गई। ड्राउन्ड इन वाटर, कहीं पर पानी में गिर गई।
हैंग्ड इन अ ट्री, किसी में दरख्त पर लटक जाऊंगी। आई वॉज श्योर नथिंग वुड हैपन, मुझे यकीन था कुछ नहीं होगा। बिकॉज माई इंटेंशन वर सो गुड, जस्ट एज यंग सोल्जर स्टार्ट आउट सर्टन ऑफ देयर सेफ्टी बिकॉज दे नो नथिंग। उसने अपने आप को कंपेरिजन किया उन सोल्जर्स के साथ कि जस्ट वो किसके लिए लड़ते हैं, फॉर द सेफ्टी ऑफ देयर कंट्री। कहती उसकी इंटेंशन सेफ थी, जस्ट शी वॉन्टेड टू डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, समथिंग ब्रेव। कहती कि होगा कुछ नहीं, बट शी हैज़ लॉट ऑफ फियर इन हर माइंड। ओके जी, मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ। फ्रेंड्स ड्रोव मी टू ऑरेंज, ऑरेंज जो है नेम ऑफ सेंटर, ठीक है। कहती है फ्रेंड्स ने मुझे ऑरेंज की तरफ मुझे भेजा। मैसाचुसेट्स 70 miles वेस्ट ऑफ बूस्टन, जो कि बूस्टन से 70 मील के फासले पर था। फॉर द ओपनिंग ऑफ द फर्स्ट US स्पोर्ट्स पैराशूटिंग सेंटर, के फर्स्ट पैराशूटिंग सेंटर वहाँ पर था। वेयर आई वॉज टू परफॉर्म, जहाँ पर शी हैज़ टू जम्प। इट वॉज द क्रिएशन द पैशन ऑफ अ प्रिंसटोनियन एंड एक्स मैरियन नेम जैकोस ईस्टर, ये नेम ऑफ द फाउंडर ऑफ दैट सेंटर, हु ऑर्गनाइज द फर्स्ट US जम्पिंग टीम, जिसने 1956 में जो पहली जम्पिंग टीम थी US की, उसको ऑर्गेनाइज किया था। और वो क्या कहता था, पैराशूटिंग वाज एज सेफ एज स्विमिंग, कि पैराशूटिंग जो है वो इतनी सेफ है जितनी कि स्विमिंग। ही कैप्ट सेइंग, कॉलिंग इट द वर्ल्ड्स मोस्ट स्टिमुलेटिंग, स्टिमुलेटिंग में मोटिवेटिंग, कि मोटिवेट करना, आपको इंस्पायरिंग, इंस्पायर देना, इंस्पायर करना। कहती कि वो कहता है कि जो पैराशूटिंग है वो इतना सेफ है जितनी स्विमिंग है, और दुनिया का सबसे ज़्यादा स्टिमुलेटिंग एंड सोल सेटिस्फाइंग स्पोर्ट का नाम क्या है, पैराशूटिंग। हिज सेंटर वाज फॉर कंपटीशंस एंड द टीचिंग ऑफ स्काई डाइविंग, उसका जो सेंटर था उसका पर्पस क्या था, कि वो कंपटीशन ऑर्गेनाइज करता और स्काई डाइविंग सिखाता। इंस्टेड ऑफ हर्टलिंग टूवर्ड्स द अर्थ, कि ज़मीन की तरफ धक्के से जाने की बजाय, स्काई डाइवर्स मेंटेन अ स्वैन डाइव पोजीशन, बड़ी पोजीशन को मेंटेन रखते, यूजिंग द एयर एज अ कुशन टू सपोर्ट देम, और वो हवा को एज अ स्मूथ सरफेस इस्तेमाल करते। वाइल दे मैन्योर विद लेग एंड आर्म मूवमेंट अंटिल द रिप कॉर्ड मस्ट बी पुल्ड, कि अपनी जो जबकि वो जो मैन्यूर चेंज टैक्टिक्स के कुछ वो चेंजेस तरकीब जो अपनी बदल भी लेते अपनी लेग के साथ, आर्म्स के साथ, मूवमेंट के साथ, जब तक कि वो जो उनकी रिप थी वो उसको खींची जा सकती। नन ऑफ दैट स्टफ वाज एक्सपेक्टेड फ्रॉम एनी ऑफ अस इन दी लिटल बिगनर्स क्लास, कहते इस तरह की कोई भी चीज़ हम जो लिटल बिगनर्स थे जिन्होंने भी क्लास शुरू की थी उनके पास एक्सपेक्ट नहीं की जा रही थी कि हम लोग कुछ मूवमेंट्स चेंज करेंगे बाय यूजिंग द मूवमेंट्स ऑफ लेग एंड आर्म। वी वर ओनली टू जंप, वो कह रही है कि हमने सिर्फ जंप करना था। आफ्टर ब्रीफ बट इंटेंस इंस्ट्रक्शन, कि बहुत एक ब्रीफ सी हमारी इंस्ट्रक्शन होनी थी, और जो इंटेंस इंस्ट्रक्शंस के बाद विद ईस्टल्स न्यूली डिज़ाइन पैराशूट, कि ईस्टल ने जो नया पैराशूट डिज़ाइन किया था टू शो, दिखाने के लिए, डैट एनी डोप कुड डू इट, डोप मीन एनी फूल, कोई भी जो थोड़ा सा वीक पर्सन है वो भी इसके ज़रिए जंप कर सकता था। इट वॉज अ पैराशूट विथ 32-foot कैनोपी, अब पैराशूट के बारे में है, पैराशूट किस तरह का था, अ लार्ज कट आउट होल फ्यूनल्ड एस्केपिंग एयर, एक होल था जिस हवा का निकलने के लिए। यू स्टीयर्ड विथ टू वुडन नॉब्स, उसको आप टू वुडन नॉब्स के जरिए चलाते, इंस्टेड ऑफ हैविंग टू पुल हार्ड ऑन द बैक स्ट्रैप्स और राइजर्स, द न्यू पैराशूट इंक्रीज लेटर, इसकी स्पीड बढ़ती, स्लो डाउन द रेट ऑफ डिसेंट, जब नीचे उतरता स्पीड कम हो जाती, रिड्यूस ओसिलेशन, ओसिलेशन मीन स्विंग टू एंड फ्रो, के आगे पीछे इसकी जो फ्लो था बहुत कम होता। वी वर टोल्ड, हमें ये भी बताया गया, वी कुड इवन लैंड स्टैंडिंग अप बट डैट वी शुड बेंड अवर नीज एंड लीन टू वन साइड, कि हम जब लैंड करेंगे तो हमें स्टैंडिंग अप स्टैंडिंग सिचुएशन में, और हमने अपने घुटनों को हम बेंड कर सकते हैं।
The beginners jumped at 8. के बिगनर्स ने जंप करना है 8 o'clock. द एक्सपर्ट स्काई डाइवर्स परफॉर्म देयर डेजलिंग ट्रिक्स लेटर व्हेन अ क्राउड केम. कि जब क्राउड आ जाएगा तो उसके बाद जो स्काई डाइवर्स हैं वो अपने मुख्तलिफ जो ट्रिक्स हैं वो परफॉर्म करेंगे. ओके जी, फोर्थ ईयर. आज की इसकी जो रीडिंग है वो एनफ फॉर टुडे. आप लोगों ने इसको दोबारा से अच्छे तरीके से रीड करना है, इसको समझना है. इसका जो है कि क्वेश्चन है आपकी बुक पर, वो हम कल जब इसकी रीडिंग कंप्लीट करेंगे तो साथ हम इसकी डिस्कस करेंगे. आज के लेसन जो आप लर्न करेंगे, आपको 10 ही इडियम्स हैं, इनको ज़रा अच्छे तरीके से याद कर लेना. अबव बोर्ड है, हिज ऑनेस्टी इज अबव बोर्ड. एचिल्स हील, वीक एरिया, वीक पॉइंट. हिज एचिल्स हील वाज हिज प्राइड. कि उसका जो वीक पॉइंट है वो है उसका प्राइड. एक्ट ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, फौरी तौर पर अमल करना. ही टुक द डिसीजन ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट. कि उसने फौरी तौर पर जो था वो अपने डिसीजन पर अमल किया. एड फ्यूल टू फायर, जलती पर तेल छिड़कना. हिज स्पीच एडिड फ्यूल टू फायर. एड इंसल्ट टू इंजरी, जख्मों पर नमक छिड़कना. हिज रिमार्क्स एडिड इंसल्ट टू इंजरी. After one's own heart, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक. She married him after her own heart, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसने शादी की. All in all, मजमूई तौर पर. All in all, he made a great speech, मजमूई तौर पर उसने एक अच्छी स्पीच की. All and sundry, तमाम लोग. All and sundry were present in the party. All at sea, बुखला जाना. He was all at sea at his failure. All moonshine, महज दिखावा, झूठी बात. इज़ प्रॉमिस टू हेल्प मी इज़ ऑल मूनशाइन. ओके जी, फोर्थ ईयर. ये 10 ईडियम्स हैं जो बच्चों आप लोगों ने लर्न करने हैं, और इसके साथ आप लोगों ने ये जो टेक दी प्लंज हमने स्टार्ट किया है, जो रीडिंग इसकी हमने आज शुरू की है, इसको दोबारा से रीड करना, इसमें से कुछ मेन पॉइंट्स निकालना. ठीक है, कल हम इसकी रीडिंग भी कम्प्लीट करेंगे और साथ इसका जो एक क्वेश्चन है उसको भी डिस्कस करेंगे. ओके जी.